मान सकते हैं कि फोन करेगा कि बीजेपी को फोन करेगा 3-4 बजे को, तो पैसा सुनने के लिए, दलाली करने के लिए सब पत्रकार से लेकर पुलिस से लेकर थाना से लेकर एसपी से लेकर सब लोग बालू का पैसा खाते हो। हमारा पूरा जन्म कुंडली हम खंगाल लेंगे कहीं के 3-4 बजे रात तक तो फोन कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पत्रकार जहां भी हैं उन्हें कुचल दिया जाता है, कभी गुंडों से तो कभी पुलिस से। ऐसा ही वाकया कुछ बिहार में देखने को मिला, जब बिहार के डीजीपी, बिहार के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे ने एक पत्रकार की पूरी कुंडली नापने को कह दिया। वाकया कुछ ऐसा था कि जब एक पत्रकार हैं, बिहार के माने जाने पत्रकार हैं विकास पांडे, उन्होंने डीजीपी को सुबह 4 बजे फोन किया और शायद डीजीपी के नींद में खलल पैदा हो गया और उन्होंने क्या कुछ पत्रकार को कहा ये तो हम आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन उन्होंने पत्रकार से कहा कि सुबह 4 बजे डीजीपी को फोन करते हो, मैं तुम्हारी कुंडली नाप दूंगा। फिर पत्रकार ने, विकास पांडे ने, और एक नामी चैनल के पत्रकार हैं विकास पांडे, उन्होंने कहा कि सर देखिए आपके इस इलाके में, आपके बिहार में बालू का सुबह सुबह 4 बजे खनन हो रहा है जो गैर कानूनी है। डीजीपी ने कहा कि तुम पत्रकार से मिलकर एसपी, डीएसपी और थानेदार सब लोग बालू की माफिया गिरी करते हो और हमें सुबह 4 बजे फोन करते हो, हिम्मत है तो जो माइंस के सेक्रेटरी हैं उनको फोन करो, जो माइंस का डिपार्टमेंट देखते हैं बिहार सरकार का उनको फोन करो और उनको बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि डीजीपी को तुमने सुबह 4 बजे फोन कर दिया और सब तुम लोग मिलो हो। यानी कि वो अपने महकमे के अधिकारियों को भी उन्होंने घुसखोर साबित किया है खुद अपने मुंह से। हम आपको जब बयान सुनवाएंगे ये और टेलीफोन की जो ये वार्ता है जब हम आपके सामने रखेंगे तो नेशन भारत के व्यूअर जो है, जो दर्शक है, खुद ब खुद समझ सकते हैं कि डीजीपी अपने महकमे को ही चोर साबित कर दिया उन्होंने कि पत्रकारों के साथ मिलकर जो डीएसपी से लेकर एसपी और थाने इंचार्ज से लेकर जो भी लोग हैं सब इस कृत में शामिल हैं। क्या कुछ बात हुई डीजीपी और विकास पांडे, जो एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के बिहार में पत्रकार हैं, उनसे आपको सुनवाते हैं। पहले आप सुन लीजिए। तुमने भारी बेहुद्दे आदमी हो, तुम 4 बजे रात को डीजीपी को फोन कर रहे हो जी, रोहिंदी सब रुके तो सर इस तरह का मामला था तो कोई फोन नहीं उठा रहा सर। बेहुद्दा, तुमको ये मालूम है कि इमरजेंसी क्या होता है? इमरजेंसी तुम पर आफत चल रही है, गोली चल रही है, कहीं खून हो रहा है, कोई ऐसी बात रहा है, तुम किसी टाइम फोन कर सकते हो। और भी मामला नहीं जानता है कि बालू का चोर जाता है, तू बालू रोकना हमारा काम है। और एक मामला है, और एक मामला था सर। माइंस सेक्रेटरी को फोन करेगा, माइंस सेक्रेटरी को फोन करेगा कि डीजीपी को फोन करेगा 3-4 बजे को। सर और एक मामला है, दो यहाँ दलाली करने के लिए सब पैसा सुनने के लिए, दलाली करने के लिए सब पत्रकार से लेकर पुलिस से लेकर थाना से लेकर एसपी से लेकर सब लोग बालू का पैसा खाते हो और तुम हमको फोन कर रहे हो 4 बजे। और एक मामला था सर, इसलिए हम कॉल किए थे, दो मामला वहां पर आ गया। तुम्हारा पूरा जन्म कुंडली हम खंगाल लेंगे कहीं के 3-4 बजे रात में तू फोन कर रहा है। बालू का चोरी तो नेता कर रहा है, विधायक से लेकर नेता से लेकर थानेदार से लेकर एसपी से लेकर पत्रकार से लेकर सब तुम लोग मिल करके बालू का चोरी करते हो, बालू खोदवाते हो। वो दिन में भी निकलता है, रात में भी निकलता है, 24 घंटे निकलता है। तू हमको 3 बजे रात को फोन कर रहा है चोर कहीं का, कोई हम कुंडली निकालते हैं। एसपी साहब फोन नहीं उठाए, डीआईजी साहब फोन नहीं उठाया सर, तो इसलिए हमको कॉल करना पड़ा सर आपको। डीजी को फोन कर रहे तो बालू के लिए तो फोन कर माइंस सेक्रेटरी को, बालू देखना डीजी का काम है सारे। सब लिंक चोर कहीं का तू सब लोग मिल करके निकलवाता है, तू थानेदार विधायक नेता सब लोग मिल करके बालू का चोरी करता है, डीजीपी को रात में 2 बजे फोन करेगा।
तो आपने सुना, ये थे बिहार पुलिस के मुखिया जो अपने अधिकारियों को खुद ही चोर साबित किया है इन्होंने, और कहा है कि सब मिल के मोटी रकम लेकर बिहार में बालू का खनन कराते हैं, और उन्हें जगह का भी एक नाम लिया है कि दीघा से लेकर दानापुर तक जितने थाने हैं और जितने तुम पत्रकार हो सब लोग इस माफियागिरी में शामिल हो। तो क्या ये अच्छा लगता है कि डीजीपी को सब कुछ पता है कि उनके अधिकारी जो हैं उनके नीचे काम करने वाले एसपी से लेकर डीएसपी थानेदार तक इस कृत्य में शामिल है, तो एक्शन क्यों नहीं लेते? नेशन भारत के माध्यम से नेशन भारत के दर्शकों की तरफ से मैं ये पूछना चाहता हूं कि डीजीपी साहब आपने क्या एक्शन लिया? जब आपको पता है कि एसपी चोर है, डीएसपी चोर है, थानेदार चोर है, तो आपने एक्शन इस पर क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं आपने तुरंत बदल दिया सारे थाने के इंचार्जों को और एसपी को? वास्तव में ये सच्चाई है कि डीजीपी को ये एक्शन लेने का कहीं ना कहीं अधिकार ही नहीं है। डीजीपी मात्र एक रबर स्टैंड के जैसा बिहार सरकार के पुलिस के मुखिया बनकर बैठे हैं, लेकिन डीजीपी बहुत ही पढ़े लिखे भी हैं। डीजीपी अपने जमाने के टॉपर विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन शायद डीजीपी की कुछ चलती नहीं है, जिसके चलते की कर्तव्य विमुखम वाली उनकी जो बात है वो चरितार्थ होती है। मैं मनोज चतुर्वेदी, नेशन भारत के लिए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।